भारतवंशी पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम ने जब रावण का वध किया तब वे युवा थे। श्री कृष्ण ने जब कौरवों का विनाश कर पांडु राज की स्थापना की या यूं कहें धर्म की स्थापना की तब वे युवा थे। महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर की 80,000 की सेना को सिर्फ अपनी 15,000 की सेना से हराया तब वे युवा थे। था घोड़ा तेरा चेतक जिस पर तू सवारी करता था कि तुझमें ऐसी कोई बात कि वो शहंशाह अकबर तुझसे डरता था। सन 1857 की क्रांति जिसमें श्री मंगल पांडे जिन्होंने गोली चलाकर उस क्रांति की शुरुआत की वे युवा थे। 23 मार्च 1931 जो वो तीन फांसी पे लटके थे शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वे तीन भी युवा थे। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने इतना सुंदर श्लोक लिखा वे भारत देश के युवा थे। और यही नहीं कि सिर्फ युवाओं ने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं इस देश की युविकाओं ने भी समय समय पर आकर अपने भारत देश के लिए बलिदान दिए हैं। उदाहरण के तौर पर चमक उठी सन 1857 में वो तलवार पुरानी थी हमने सुना था कि वह हमारी झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी जिन्होंने अपने पुत्र को अपनी कमर से बांध कर तलवार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वे कोई और नहीं भारत देश की युविका थी। हमारे भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है हां जी हां 140 करोड़ और इन 140 करोड़ में से 70 करोड़ आबादी युवाओं की है। हमारे भारत देश के युवाओं की खुली मुट्ठी अगर बंद मुट्ठी में बदल जाती है तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचने में रोक सके। धीरूभाई अंबानी जिन्होंने जब रिलायंस की शुरुआत करी वे एक युवा थे। जमशेद टाटा जब उन्होंने टाटा की शुरुआत करी वे एक युवा थे। और हाँ चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बनने तक का संकल्प इस देश के युवा का है। उस युवा का नाम है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वे हमारे देश के युवा हैं। बंदूक की ताकत उसकी गोलियों में है ज्ञान की ताकत किताबों में है और क्षत्रिय की ताकत उसकी तलवार में है और उसी तरह भारतवंशियों की ताकत उनके युवाओं में है। आखिर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं को कि उठो जगो लड़ो शेर बनो क्योंकि बलि हमेशा बकरी की दी जाती है शेर की नहीं शेर बनो। जय हिंद जय भारत शुक्रिया।